गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस तरह का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, ये ऐसा बनाएंगे। ये साड़ी में से बनाया हुआ डिज़ाइन है, ये सेम इस एक ही साड़ी में से बनाया हुआ है ये डिज़ाइन। ये बच्ची हुई साड़ी है, एक बन चुका है इसमें से ये, और एक अभी और बन जाएगा। ये नीचे इसमें इस तरह के पैचेज हैं। इसमें जो ये डिज़ाइन है ये यहाँ नाभि से काफ़ी ऊपर है। इसकी जो लेंथ रखी थी चोली की वो 15 इंच रखी थी। यहाँ पे जो हम इस वाले ड्रेस की रखेंगे वो 18 इंच रखेंगे लेंथ, ताकि हमारी नाभि दिखाई ना दे। और इस तरह से आइए, जो इसका फ्रंट पार्ट है इसमें लूप्स लगा के बटन लगाएंगे हम। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी आपसे टिप छूटे ना, या फिर कोई भी मैं ऐसी टिप बताऊँ आपको तो वो छूटे ना। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने ये इनर ले लिया, ऐसे किनारे से किनारे मिला लिए हम। किनारे से किनारे ओपन साइड है ये, वो इस रीज़न से है कि हम जो फ्रंट है वो ओपन पार्ट बनाएंगे और बैक फोल्ड साइड से बनाएंगे। जो इसकी लेंथ है वो 42 इंचज है। यहाँ से हम 18 इंच चोली के लिए निकालेंगे, 18 इंच, और 1 इंच हम 1 से 1.5 इंच हम प्लस करेंगे। और उसके बाद ये टोटल 44 इंच का है। देखिए इसकी 44 है, ये हमारे लिए काफ़ी है। इनर पे कटिंग कर रहे हैं। जो इसकी चोली की लेंथ है वो 18 इंच तैयार है, तो हम यहाँ पे 19.5 इंच रखेंगे। जो इसका फ्रंट नेक है वो 6 इंच है और बैक नेक भी 6 इंच है, इसलिए जो हम तीरा रखेंगे वो अक्रॉस बैक 6 इंच ही रखेंगे। उसके बाद जो आर्मोल लेंथ रखेंगे वो 7.5 इंच रखेंगे। 7.5 पे भी हम यहाँ से ऐसे 6 का निशान लगा के इसको सीधा कर लेंगे। उससे पहले ये निशान लगाने से पहले एक बार मेजरमेंट देख लो। जो इसकी फुल लेंथ है वो 42 इंचज है, चेस्ट 35, वेस्ट 29.5, हिप 37। और जो स्लीव है वो हम स्लीव लेस बना रहे हैं इसको। यहाँ पे हमने 7.5 पे निशान लगाया था। जो इसका अक्रॉस बैक है वो 6 इंच हमने लिया था, पर स्लीव कट है तो हम यहाँ पे 6.5 कर लेते हैं, ताकि जो ये शोल्डर पे ये वाली जो चीज़ है थोड़ी एक्स्ट्रा बच जाए। अक्रॉस बैक हो गया, उसके बाद आर्मोल हो गया। जो हम फिटिंग का निशान लगाएंगे उसमें हम 2-2 इंच का प्लस कर देंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया 9.25, 7.25 और 10.5। अब यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 9.25 पे और 2 इंच मार्जिन के लिए। सिर्फ हमें इसमें कमर की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे 15.5 पे कमर का निशान लगा देंगे, 7.25। 7.25 तो हमने फिटिंग का निशान लगाया है। और उसके बाद ना हम 1.5 इंच का मार्जिन प्लेट के लिए रखेंगे। जो हम कमर पे प्लेट डालेंगे, सिर्फ हम एक ही प्लेट डालेंगे यहाँ सेंटर में, बैक में भी और फ्रंट में भी, और इसके आगे 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। और ऐसे ही हम बैक पार्ट की फोल्ड साइड से रख के कटिंग कर लेंगे, 1.5 इंच का ऐसे आगे, और यहाँ से ऐसे गोलाई दे देंगे, और ये फ्रंट पार्ट की गोलाई दे देंगे। ये फ्रंट और बैक गोलाई होगी, कटिंग कर लूँगी। फिर बैक पार्ट कट करने के बाद ये फोल्ड साइड है, यहाँ से कटिंग कर लूँगी बैक पार्ट की, और फिर फ्रंट की कटिंग करूँगी। दिखा बैक पार्ट पे ऐसे सेट कर लिए, यहाँ से मार्जिन देख लिए कि कितना मार्जिन है, जहाँ से गोलाई आ रही हो वहीं पे ऐसे रख के और इसके साथ साथ कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की भी कटिंग होगी, बैक पार्ट की भी। अब उसके बाद हम ये गोलाई करेंगे। गोलाई करने के बाद हम सबसे पहले डार्ट का निशान लगाएंगे, बैक में भी और फ्रंट में भी। फ्रंट पार्ट की गोलाई होगी, उसके बाद जो फ्रंट पार्ट है उसी का मैं शोल्डर के यहाँ से 1/2 इंच ऐसे डाउन कर दूंगी, और बैक पार्ट में हल्का सा डाउन कर दूंगी ऐसे ऐसे, नीचे से यहाँ से 12.5 पे और ऐसे 4 इंच पे, और यहाँ से भी ऐसे 4 इंच पे, क्योंकि ओपन साइड है, 1/2 इंच हमारा जो हम वो लूप्स की पट्टी लगाएंगे उसमें चला जाएगा, और ये हमारी डार्ट बैक और फ्रंट की कंप्लीट होगी। फ्रंट पार्ट की बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, डार्ट के निशान लगा दिए। अब मैं इसको मेन फैब्रिक पे काटूँ। मेन फैब्रिक पे मैं इस तरीके से काटूँगी
कि मेरे नीचे की लेंथ भी बच जाए और जो ये वाला फ्लावर है ये नीचे की तरफ आ जाए, तो मैं ऊपर से कटिंग करूँगी। फ्रंट पार्ट का मेन पार्ट और बैक का भी मैंने कटिंग कर लिया। बैक को मैंने ऐसे पूरा चिपका लिया, नीचे से छोड़ के यहाँ से मैंने गोंद से चिपका लिया। फ्रंट पार्ट मैंने इसलिए नहीं चिपकाया क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है मैं यहाँ से सिलाई लगा के और जो इनर है उसको ऐसे पलट दूंगी, तो ये यहाँ से फिनिशिंग हो जाएगी। ये साड़ी का बचा हुआ हिस्सा है, इसका मैंने यहाँ से किनारे निकाल लिए, पर अभी मैंने ये देखा कि इस पर यहाँ पे नाम है तो मैं इसको भी निकाल लेती हूँ क्योंकि लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद फिर हम जितना भी कटिंग करने के बाद ऐसे 18 इंच जो हमारी चोली की लेंथ हो छोड़ के और यहाँ पे 42 हमारे हमें टोटल लेंथ रखनी है, तो हम यहाँ पे 43 पे ऐसे निशान लगा देंगे। ये मैंने कटिंग कर ली, अब जो इसकी विड्थ है वो और बताती हूँ आपको। जो चौड़ाई है वो ऐसे 28 इंच है। ये डबल पार्ट में अभी एक बार और फोल्ड होगी और जो हिप के अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ से ऐसे चोली रख के हिप से यहाँ से निशान लगा के और ऐसे तिरछा ताकि इसमें अच्छा घेर बन जाए। और जो पार्ट है इसको एक बार हम बीच में से और काट लेंगे क्योंकि जो फ्रंट है वो हम ओपन बनाएंगे, नाभि के पास से बिल्कुल ओपन रहेगा। ये फ्रंट पार्ट है, ये यहाँ से भी ओपन है, ये दो पीस है डबल लेयर में है। और ये फ्रंट पार्ट है, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से जो इसकी लेंथ है वो 42 इंच रखनी है और ये 44 आ रही है, देखो बिल्कुल 44 इसकी लेंथ है, जबकि हमें इसकी लेंथ करनी है 42 इंच। तो कुछ शोल्डर में चला जाएगा, कुछ यहाँ से हम अटैच करेंगे उसमें चला जाएगा और नीचे फोल्डिंग में हम सिलाई से ही करेंगे मशीन से। अब जो ये यहाँ पे जितनी हमारी चोली है यहाँ से ऐसे हम चोक की हेल्प से ऐसे तिरछा कर देंगे, यहाँ से कटिंग कर देंगे। हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में डोरी बना के लगाएंगे। उसके लिए मैं ऐसे तिरछी पट्टी काट लूँगी, ये कोई मैं 1.25 इंच के गैप पे काट लूँगी ऐसे, और इसमें से बहुत सारे लुक्स बन जाएंगे। ये पेस्टिंग लिया मैंने, इसका नेक और कटिंग कर लेती हूँ। जो इसका फ्रंट नेक है वो भी 6 इंच तैयार है और बैक भी। एक बार मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया और एक बार ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, वो इस रीज़न से कर रही हूँ कि दोनों नेक साथ साथ एक साथ कटिंग हो जाएगी और हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। यहाँ से जो हम इसकी चौड़ाई रखेंगे वो 3 इंच रखेंगे और जो डीप है इसका नेक वो 6 है, तो हम यहाँ से 6.5 इंच रखेंगे, 1/2 इंच शोल्डर पे जाएगा और ऐसे बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बना लिया, उसके बाद यहाँ से हल्की सी ऐसे गोलाई दे देंगे और 1/2 1/2 इंच ऐसे बाहर से गोलाई देते इसकी कटिंग कर। ये मैंने नेक कटिंग कर लिया और इसको ऐसे पेस्ट कर लिया इस तरीके से, ये पूरा फ्रंट और बैक कटिंग कर लिया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी स्टिचिंग के साथ। थैंक्स फॉर योर टाइम।